तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बनाने वाले हैं जरी वर्क, और जरी के साथ में हम कट बिट्स का और कोरा का कॉम्बिनेशन करेंगे। तो वीडियो को आप फुल वॉच करो, वीडियो को पसंद आए वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो फर्स्ट यहाँ पे जो मैंने ब्लू पेन से इसको ड्रॉ कर लिया है, अगर आप वर्क कर रहे हो किसी कस्टमर का तो आपको ब्लू पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको जो है पाउडर का इस्तेमाल करना है, वो इजीली उड़ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टिच करने के लिए जरी को हम लेंगे यहाँ पे बन तार का निडल, और लेंगे यहाँ पे जरी, गोल्डन जरी का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि हल्का सा लाइट के साथ में मिक्स है, यानी कि एंटिक गोल्ड है। और देखो जो यहाँ पत्ती दिख रही है, जो लीफ दिख रही है, वहाँ पे हम जो है लोडिंग मारने वाले हैं जरी का। तो पहले उसके पहले हमको आउटलाइन मारना पड़ेगा। ठीक है, ये आउटलाइन हम ज़्यादा बारीक मारने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसके ऊपर ही हमारा लोडिंग आने वाला है, तो इतना घना दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हम एज इट इज़ खाली इसको लोडिंग मार देंगे, आउटलाइंस मार देंगे, और बीच में भी गैप बनाएंगे, उस गैप में हमारा दूसरा काम जाएगा, जो कि लुक थोड़ा अच्छा आने के लिए पूरा उसको बैक नहीं करेंगे, बीच में हाँ हमारा गैप रखना है हमको। यहाँ पे हम जरी की लोडिंग मार रहे हैं, तो पहले हमने पैटर्न दे दिया, पैटर्न देने के बाद जरी की लोडिंग क्रॉस में मारनी है और काफ़ी घना मारना है। ठीक है, उसके पहले हमको पैटर्न देना पड़ेगा। अगर हम फ्लैट दे रहे हैं तो उसके लिए हमको पैटर्न देने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर हम फ्लैट नहीं दे रहे, थोड़ा उठा के दे रहे हैं, तो जो वर्क जो अच्छा लगता है उठा उठा के देने में, तो वहाँ पर हम पहले पैटर्न देंगे। 4 से 5 लाइन्स हम पैटर्न देंगे, इसमें हम किसी डोरी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यही हम जरी से इसको पैटर्न बना देंगे, यानी कि 3 से 4 बार 5 बार लेके जाएंगे यहाँ पर, तो अच्छा खासा यहाँ पे मोटा हो जाएगा, उसके ऊपर हम जो है लोडिंग करेंगे। सेम करके हमें चारों जो पत्ती है लीफ है, चारों पत्तियों में हमको कर देना है और पैटर्न देना है। 4 से 5 पैटर्न देंगे, काफ़ी उठावा दिखेगा, लुक वाइज काफ़ी अच्छा आएगा। इसमें ज़रूरी नहीं है आपके काम हो जाने के बाद साइड से आप आउटलाइन दो, क्योंकि वेटली आप फिनिशिंग उसको दे रहे हैं, है ना, आटाका एक्स्ट्रा निकाल के, यानी कि आउटलाइंस के ऊपर आप सिल रहे हो उसको, तो ऑलरेडी वैसी फिनिशिंग आ रही है, तो साइड से आपको आउटलाइंस देने की ज़रूरत नहीं है। जब आपकी जरी कंप्लीट हो जाती है, तो मैंने जरी कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पे जो लिया है वो कट बिट्स लिया है, ये कलर जो है वो एंटिक गोल्ड रेनबो कलर है। ठीक है, और यहाँ पे जो धागा यूज़ करेंगे वो हम गोल्डन कलर का धागा यूज़ करेंगे, और जो निडल रहेगा वो हम निडल 8 नंबर का यूज़ करेंगे। आपकी बिट्स अगर बड़ी है तो आप 7 नंबर से भी कर सकते हो, बट यहाँ पर जो बिट्स और कट बिट्स की जो निडल्स आती है बारीक वाली, वो 8 नंबर की आती है, तो उसी से हम इसको स्टिच करेंगे। कट बिट्स को आपको पहले स्ट्रेट लेके आना है, फिर आपको साइड पे मारना है। ठीक है, आपको गैप जो है यहाँ पे अंदाज़ा रखना पड़ेगा, या फिर आप पहले बीच का कर लो कोरा मार के, बाद में आप साइड का कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं दोनों को साथ में लेके चल रहा हूँ, मिडिल का भी और साइड का भी, तो दोनों का गैप जो मुझे अंदाज ही छोड़ना है। देखो यहाँ पे जो कट बिट्स का गैप है ज़्यादा नहीं रखना है, अगर आप पेन का इस्तेमाल कर रहे हो पेन का दाग बहुत ज़्यादा दिखेगा। ठीक है, सीखने के लिए कर रहे हो आप पेन का दाग दिख रहा है तो कोई इशू नहीं है, बट अगर वर्क में इसको इस्तेमाल कर रहे हो आप, अगर पेन का दाग आपका दिखेगा तो बहुत ज़्यादा ख़राब लगेगा, और पेन का दाग उठेगा भी नहीं, तो कोशिश करो कि जितना हो सकता है उतना पेन का दाग कम दिखे। अगर इसकी जगह में आप वाइट पेंसिल का यूज़ कर रहे हो, तब भी आपका कपड़ा जो अलग कलर का है, वाइट कलर का नहीं है, उसमें भी आपका जो है वाइट दाग दिखाई देगा। हाँ, अगर पाउडर यूज़ कर रहे हो छापने के लेके, तो इसको आप कर सकते हो, बाद में छपाई आपकी उठ सकती है।
कट बिट्स हो जाने के बाद फिर हमें लेना है यहाँ पे कोरा, ठीक है। कोरा लेने के लिए हम जो कटिंग करेंगे, कटिंग करने के लिए रखने के लिए हमको उसके लिए बैटम शीट यूज़ करना है। और यहाँ पे जो मैं कोरा यूज़ कर रहा हूँ थोड़ा लाइट गोल्डन यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमने एंटिक गोल्ड जो है कट बिट्स दिया है उसके ऊपर हम फिर से एंटिक गोल्ड लगाएंगे तो लुक थोड़ा डार्क हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा लाइट कलर लिए ताकि गोल्डन और जो एंटिक है हमारा उसका कॉम्बिनेशन अच्छा रहे। यहाँ पे जो मैं यूज़ करूँगा कैची, ठीक है। फर्स्ट कैची आपकी अच्छी धार होनी चाहिए, जो आप कटिंग कर रहे हो कटिंग की साइजिंग कैसे रखें, पहले आपको 2 से 3 काट लेना है, उसको लगा के देख लेना है, ठीक है। आपकी साइजिंग ओके है तो वही साइज़ का आपको सारा माल काटना है, यानी कि सारा मटेरियल काटना है, जरदोजी हो या कोरा हो। यहाँ पर मैं कोरा यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। जरदोजी और कोरा दोनों एक जैसे ही होते हैं, बट थोड़ा कोरा थोड़ा हार्ड होता है और जरदोजी थोड़ी सॉफ्ट होती है। अब यहाँ पे जो मैं कोरा दे रहा हूँ, पहले मैं मिडल के लाइंस लेके आऊँगा क्योंकि वो हमारी मेंस लाइन है, मेन लाइन है, फिर उसके बाद फिर साइड साइड में वर्क होगा। तो मिडल के लाइन में पहले करना है, एक दूसरे से टच होना चाहिए। अगर साइज़ आपकी छोटी है, अगर गैप आ रहा है तो साइज़ फिर आप बड़ी काटो, वरना आप छोटी साइज़ लगा दोगे आपके आजू बाजू में गैप रहेगा तो काम ज़्यादा ही ख़राब लगेगा। कोशिश करो कि आप साइज़ थोड़ा बड़ा काटो। कोरा काटने से पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि आप कोरा काट रहे हो थोड़ा हल्का सा खींचे काटो। हल्का सा खींचने पे ये बेनिफिट मिलेगा आपको कि आपने साइज़ थोड़ा बड़ा काट दिया है, 19-20 काट दिया है, ठीक है। कोरा थोड़ा अगर खींचा हुआ रहेगा तो उसको दबा के आप मेन साइज़ में ला सकते हो, ठीक है। उसकी ये एक बेनिफिट रहेगी आपको, थोड़ा खींच के कोरे को आप काट सकते हो। एक ही साइज़ में काटना जो आप साइज़ लगाने वाले हो, ठीक है। यहाँ पे मैं कट बिट्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप चाहो तो किसी और चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हो। कोरे के बीच में कोरा भी डाल सकते हो, कोरे के बीच में जो है बीट्स भी डाल सकते हो, जो आपके माइंड में आ सकता है आप वो आप डाल सकते हो इसमें। यहाँ पे आपको 3 टाके पे जो है वो कोरा कंप्लीट करना है, एक जहाँ से आप स्टार्ट करोगे, एक उसके मिडल पे, और जब बैक लेके आते हो जहाँ पे मैंने फर्स्ट टाका निकाला था उसके बाजू में। तो 3 टाके में आपका जो है वो कोरा कंप्लीट होगा, उससे ज़्यादा टाका नहीं मारना है। अगर ज़्यादा टाका मारते हो तो उसका लुक अलग आएगा, इसका लुक अलग आता है। देखो जब भी आप कोरा मारो, है ना, कोरा, जरदोजी, नक्शी, ये तीनों एक ही कैटेगरी के होते हैं, साइज़ थोड़ा डिफरेंस होता है। एक तो होता है स्प्रिंग कोरा जो काफ़ी बड़ा साइज़ का होता है, वो स्प्रिंग की तरह दिखता भी है, ठीक है। अगर उसकी जगह में आप वो भी लगा रहे हो तो उसका लुक भी काफ़ी अच्छा आएगा, बट उसमें गैप थोड़ा आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। इसमें गैप हमने कम इसलिए दिया है क्योंकि साइज़ काफ़ी बारीक है कोरे की, साइज़ बड़ी होती तो गैप भी हम बढ़ा देते। कोरा कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ डोरी का। अब कौन सा कलर का डोरी हम यूज़ करेंगे इसमें, जो आजू बाजू में हमने जो जरी यूज़ किया है लोडिंग के इस्तेमाल के लिए, वही वाला डोरी बना के, ठीक है, उसी जरी का हमने डोरी बनाया है। डोरी बनाने का तरीका कैसे है आपको आगे क्लास में मैं बता दूंगा, जैसे कि आगे वीडियोज़ आएंगे यूट्यूब पर तो उसमें आपको बता दूंगा कैसे डोरी बनती है। तो उसी कलर की डोरी बना के मैं वहाँ पे टाकने वाला हूँ। टाकने के लिए हम सेम जरी लेंगे, यहाँ पे धागा यूज़ नहीं करना है। अगर सेम कलर की जरी लेते हैं हम टाकने के लिए तो जो जरी है हमारी वो दिखती नहीं है, ठीक है। तो ये बेनिफिट रहेगा आपका, जो है क्लियरली डोरी जो है वो दिखाई देगी। धागा यूज़ करते हैं तो धागा दिखाई देता है, सेम कलर की जरी लेंगे तो अपना टाका जो है वो दिखाई नहीं देगा, तो फिनिशिंग में आपका वर्क जाएगा।
जहाँ से आप डोरी स्टार्ट करते हो कहाँ और जहाँ पे आप डोरी को एंड करते हो, स्टार्टिंग में और एंड में काफ़ी फिनिशिंग से आपको टाका निकालना होता है। ऐसा नहीं कि आपने टाका ऊपर निकाला और लास्ट में टाका नहीं निकाला तो धीरे धीरे करके वो ख़राब होती जाएगा। स्टार्टिंग में भी आप टाका निकालते हो, टाका भी आपको ध्यान से निकालना है, उसको पहले पलटी करके टाकना है, फिर उसको पलटी करके फिर उसको सिलते हुए आना है। उसमें आपका जो एचएस है वो दिखाई नहीं देगा, वो आपका टाका के नीचे छुप जाएगा। डोरी को मैं यहाँ पे सेम यूज़ करूँगा, मिडिल की जो डोरी है वो स्ट्रेट लाके हम साइड से पूरा लेके चले जाएंगे, वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। टाका निकालना कैसे है, इस पार से उठाना है डोरी के और उस पार में टाका डालना है, पर टाका काफ़ी दूर नहीं निकालना है, एकदम करीब में निकालना है। ज़्यादा दूर निकालोगे तो आपका जरी जो है वो दिखाई देगा तो लुक काफ़ी ख़राब आएगा। तो डोरी कंप्लीट हो जाने के बाद उसी जरी का 2x4 लेना है आपको, 2x4 जरी लेनी है। सिंपल सा खाली आपको राइज स्टिच मारनी है। कैसे मारनी है आप देख रहे होंगे, ऐसे में आपको राइज स्टिच मारनी है 2x4 लेके। तो यहाँ पे हमको जरी की राइज स्टिच हर एक गैप में डालना है, जहाँ पे हमने कोरा स्टिच किया है उसके हर एक गैप में डालना है, ठीक है। और निडल जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वो 6 नंबर है, ठीक है। अगर आप कम यहाँ पे जरी ले रहे हो तो आप 8 नंबर का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जरी ज़्यादा है, आप 2x4 ले रहे हो या 4x8 ले रहे हो, आपको 6 नंबर इस्तेमाल करना चाहिए हैंड निडल। यहाँ पे जो हम राइज स्टिच मार रहे हैं जरी का, काफ़ी लंबा नहीं मार रहा है, काफ़ी छोटा नहीं मार रहा, जो कि आपका दिखे नहीं, और ज़्यादा बड़ा मारोगे तो ओवर हो जाएगा, तो उतना ही मारना है, ज़्यादा साइज़ का नहीं मारना है। 0.25 का, 0.20 का आप जो है टाका निकाल सकते। तो जरी का जब स्टिच मार लेते हो तो आपका जो वर्क है वो कम्प्लीट हो जाता है। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।